हेलो दोस्तों, सॉलिडवर्क के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम 2D स्केच के कुछ टूल्स का उपयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू में जाकर पार्ट सिलेक्ट करके ओके देंगे। अब हम 2D स्केच में स्केच मेन्यू में जाकर लाइन टूल पसंद करेंगे। यहाँ पर हमें सॉलिडवर्क हमारा प्लेन सिलेक्ट करने को बोल रहा है, जिसमें हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा 2D स्केच ड्रॉ हो रहा है वो फ्रंट साइड पर ड्रॉ होगा। अब यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक एंड से क्लिक कीजिए, उसे खींचिए और दूसरे एंड पर उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं लाइन ड्रॉ हो गई है। अब लाइन को डी सिलेक्ट करने के लिए हम एस्केप की का दबाएंगे तो लाइन को डी सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर माउस का उपयोग करके हमारे व्यू का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। यहाँ पर हमने लाइन को सिलेक्ट किया और ये सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर मिड पॉइंट दे देंगे तो लाइन सेंटर पॉइंट में आ जाएंगी। इसी तरह हम लाइन में दूसरे टूल्स को दूसरे लाइन के बदौलत जोड़ेंगे। यहाँ पर लाइन में ये 2 इंच ड्रॉ की, यहाँ पर ये 5 इंच, तो यहाँ पर फिर से 2 इंच। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो रखी है वो हो गया है। तो इसी डायमेंशन देने के लिए हम स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन को जिस लाइन को हमें डायमेंशन देनी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये, और क्लिक छोड़ेंगे तो ये पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हम वो हमें डायमेंशन पूछेगा। यहाँ पर हम 5 इंच डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 इंच हो गया। और इसी तरह दूसरी में हम 2.5 इंच देंगे, यानी 1.5, और देख सकते हैं दोनों में डायमेंशन आ गई है। अब हम दो लाइन को सेंटर लाइन टूल का उपयोग करना सीखेंगे। सेंटर लाइन यहाँ पर सिलेक्ट की, यहाँ पर ये स्केप से सेंटर लाइन एग्जिट, फिर सेंटर लाइन पसंद करेंगे। यहाँ पर से मिड पॉइंट पर स्टार्ट करके यहाँ पर बेसिकली सेंटर लाइन फॉर कंस्ट्रक्शन यूज के लिए होती है, जिसकी बदौलत हम कोई भी स्केच में ड्रॉ करके उसे 3D पार्ट्स, यानी कि हमारे जो मेन असेंबली पार्ट है उसमें वो लाइन दिखाई नहीं देती। रेफरेंस के लिए ही ऐसा बोल सकते हैं, इसे हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल की मदद से हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये सेंटर में लिया और ये रेक्टेंगल देख सकते हैं रेक्टेंगल बन गया है। यहाँ पर अलग तरह के रेक्टेंगल है, सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर पॉइंट वाला, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट दूसरा, और ये पहले एकदम। अब पहला तो हमने सीख लिया, अब दूसरे ये एक सिंपल, ये पहले वाले में हम जिस जगह से क्लिक करते हैं जिस जगह छोड़ते हैं वहीं पर हमारा सेंटर लाइन ख़त्म हो जाती है। अब हम दूसरा रेक्टेंगल जिसमें हम सेंटर रेक्टेंगल जो है ये बेसिकली जहाँ से हम क्लिक करते हैं वहाँ से ड्रॉ होना शुरू होता है, जहाँ हम क्लिक छोड़ते हैं वहाँ ड्रॉ होना ख़त्म होता है, यानी कि जो हमने जहाँ पर से क्लिक किया है वहाँ से वो सेंटर पॉइंट पिक करके जिस तरफ हम अपना माउस बढ़ाते जाएंगे वहाँ तक वो लेता जाएगा। अब हम यहाँ पर ये क्लिक हो गया है, ओके देंगे। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉ हमारे मिड पॉइंट पर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं मिड पॉइंट आ गए और सिलेक्ट किया, ये देख सकते हैं मिड पॉइंट का निशान आ गया। ये निशान मिड पॉइंट का निशान, जिसकी हम जिससे हमें पता चलता है कि ये मिड पॉइंट पर लगाया हुआ है। ये दूसरे वीडियो लेक्चर में हम 3 टूल एक्सप्लोर किए। आगे के वीडियो लेक्चर में हम और भी सारे टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आइए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक